चुनावी संग्राम में कौन कितने पानी में, किसे मिलेगी जीत, चुनाव प्रचार से लेकर मतदान तक और मतगणना से लेकर नतीजों तक चुनावी संग्राम की एक एक खबर देखिए अंबर टाइम्स और एक खबर टुडे के साथ चुनावी संग्राम। रतलाम के नागरिकों को शहर के हर वार्ड की सच्चाइयों का सामना कराने के अपने अभियान में अंबर टाइम्स और ई खबर टुडे की टीम अब आ पहुंची है वार्ड क्रमांक 21 में। वार्ड क्रमांक 21 में लक्कड़बीठा, सिलावटों का वास, अमृत सागर तालाब रोड इत्यादि शामिल है। ये वार्ड अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित है। इस वार्ड के निवासी जर्जर सड़कों, अमृत सागर की गंदगी जैसी परेशानियों से रूबरू है। यहाँ के मतदाता भी शहर के अन्य इलाकों के मतदाताओं जैसी ही सोच रखते हैं। आइए जानते हैं वार्ड क्रमांक 21 के मतदाताओं की राय। क्या नाम है आपका? चिंटू कुमार। कुमार जी, आप वार्ड नंबर 21 के रहवासी हैं। हाँ। आपके वार्ड में विकास कैसा हुआ? विकास तो हुआ है, पर जो पार्षद आते हैं वो बराबर काम नहीं करते। विकास तो रोड़े बनी है केवल, और कुछ विकास नहीं हुआ। क्या काम नहीं हुआ? जैसे नाली सफाई है, ये है, वो है। क्या क्या है नाली सफाई के अलावा? ये बस ये बावड़ी है, इसकी सफाई बड़ी मुश्किल से हुई। हमने बहुत प्रयास करके पार्षद को बोल के कार्रवाई बड़ी मुश्किल से, अभी भी इसमें गंदगी है। आप कैसा विकास चाहते हैं? मतलब लाइट है, ये लाइट स्ट्रीट लाइट सब पूरी बंद है। इस वार्ड की जितनी भी स्ट्रीट लाइट है सब से बंद है। अब फिर चुनाव आ रहे हैं, आप पार्षद को देख के वोट देंगे कि राजनीतिक पार्टी को? व्यक्ति को देख के वोट देंगे। क्या नाम आपका? जगदीश। जगदीश, आप इस वार्ड का रहवासी हैं, आपके वार्ड में कितना विकास हुआ? अच्छा विकास हुआ। क्या क्या काम हो गया और क्या समस्या है? रोड बन गई है, गटरे बन गई है। समस्या क्या आ रही है? समस्या कुछ नहीं है। कुछ नहीं है तो आप फिर चुनाव आ रहे हैं, वोट देना है, आप पार्षद को देख के वोट देंगे या राजनीतिक पार्टी को? ये तो सब जनता देखेगी। जनता, आप भी जनता के हिस्सा हैं, आप क्या देखेंगे? हाँ, पार्षद को, प्रतिनिधि को देखेंगे कि राजनीतिक पार्टी को देखेंगे? नहीं, पार्षद को देखेंगे। हाँ, आपका क्या नाम है? आपका नारायण नाम है मेरा। नारायण जी, आप वार्ड नंबर 21 के रहवासी हैं। हाँ। आपके वार्ड में कितना विकास हुआ? कोई विकास नहीं हुआ वार्ड में, कोई भी विकास नहीं हुआ। महीने भर में कभी नाली साफ नहीं होती, 7 महीने में ट्यूबवेल ठीक नहीं हुआ, और स्ट्रीट लाइटें भी चालू नहीं रहती है। और हमको फ़ोन नंबर देते हैं पूरा भूतपूर्व पार्षद कि आप मतलब ये फ़ोन करो और आप चालू करवाओ लाइटें, और ये 7-8 महीने से कभी नाली साफ नहीं हुई, 7-8 महीने से ट्यूबवेल चालू नहीं हुआ। क्या आपके वार्ड में कोई विकास नहीं हुआ? हाँ। विकास से आप संतोष नहीं है आपको? हाँ, कोई संतोष तो नहीं। आने वाले चुनाव में आप कैसा पार्षद चुनेंगे, राजनीतिक पार्टी से चुनेंगे या पार्षद को देखेंगे? अभी तो टिकट को फाइनल हो, किसका होगा उस हिसाब से देखेंगे ना। तो पार्टी देखेंगे या पार्षद देखेंगे? पार्टी तो देखेंगे नहीं, आपकी बात, जो अच्छा का वो व्यक्ति होगा उसको देंगे टिकट वोट। सभी के पानी गंदा आ रहा था, पीने का पानी कम से कम एक महीना भर हो गया था हमको पानी के, परेशान होते होते सब गंदा। हम केन मंगवा रहे थे बाजार से, मार्केट से। क्या और इस बात में समस्या क्या रही है? अब समस्या का तो ऐसा तो मेरे को कुछ पता नहीं, पानी की ज्यादातर पानी की समस्या, अभी भी वैसे गंदा ही आ रहा है पानी, तो अभी भी गंदा आ रहा है पानी। तो ये बार फिर चुनाव आ रहे हैं नगर निगम के, फिर पार्षद चुनना है आपको जी, आप राजनीतिक पार्टी को देख के वोट दोगे कि पार्षद को देख के? जो काम हमारा करेगा भाई उनको। अंबर टाइम्स और ई खबर टुडे की टीम अब आ पहुंची है वार्ड क्रमांक 22 भगतपुरी वार्ड में। इस वार्ड में TIT, अमृत सागर कॉलोनी, भगतपुरी का कुछ भाग, तेलियों की सड़क, श्मशान रोड क्षेत्र, भेरुगढ़, रामनगर, त्रिवेणी रोड क्षेत्र, संत नगर, कल्याण नगर, मोती नगर, शंकरगढ़ इत्यादि शामिल है। ये वार्ड अनारक्षित है, इस वार्ड से किसी भी वर्ग का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। सामान्य पुरुष होने से यहाँ चुनाव लड़ने वालों की संख्या अधिक रहने की संभावना है, और यहाँ रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा। इस वार्ड में अधिकतर कमजोर वर्ग के लोगों का निवास है। भगतपुरी वार्ड में कई तरह की दिक्कतें हैं, आइए जानते हैं क्या कह रहे हैं इस वार्ड के मतदाता। विनोद जैन। विनोद साहब, आप वार्ड नंबर 22 के रहवासी हैं जी। आपके वार्ड में कितना विकास हुआ? विकास के नाम पे तो कुछ नहीं, जो यथा स्थिति वही है। किस तरह का विकास चाहते हैं, समस्या क्या आ रही है? समस्या मेन हर वार्ड में आती है वही है कि साफ सफाई की व्यवस्था आती है, सबसे मेन समस्या। हर व्यक्ति चाहता है कि उस अभी अभी वर्तमान में क्या है, जैसे सड़कों की साफ सफाई तो होती है, लेकिन आप नालियाँ देख रहे हो ना, ये नाली पूरी भरी है, महीनों से भरी हुई है, चाक हो रही है, सफाई होती नहीं है क्या। और ये कि यही कंडीशन, यही स्थिति पीछे वाली रोड की भी है, शमशान रोड की, मुक्तिधाम जाने वाले आप उधर आएंगे ना तो देखेंगे पीछे, वहाँ बहुत से लोगों ने तो
अतिक्रमण कर रखा नाले के ऊपर, और तो और उनके यहाँ टैंक भी नहीं, उन्होंने उसी में सब मेला छोड़ रहे हैं, नाले के अंदर मेला छोड़ रहे हैं वो पीछे। क्या तो इस बाढ़ में समस्या था कि पार्षद ने क्या किया? पार्षद क्या करे, पार्षद को बोलेगा तो वो कर लेगा। अभी तो पार्षद वर्तमान में तो है नहीं, लेकिन पिछला पार्षद था तो वो कर लेता था थोड़ी बहुत, उसको बोलते थे तो आदमी भेज देते थे, सफाई करवा देता, लेकिन कर्मचारी तो बराबर काम नहीं करते। अब फिर चुनाव आ रहे हैं, आपको पार्षद चुनना है जी, आप पार्षद को देख के वोट देंगे कि पार्टी को? हम तो काम करने वाले को वोट देंगे, हमेशा यही सोच के देते हैं क्या, लेकिन धारणा सब गलत हो जाती है बाद में जाके, है ना। हाँ ये तो अभी जैसे पार्षद के अभी तो विधायक महोदय अच्छा कार्य कर रहे हैं इस अमृत सागर क्षेत्र के लिए, क्या वो सक्रिय है और वो अच्छा कार्य कर रहा है, अमृत सागर त्रिपोलिया गेट वगैरह गढ़ कैलाश वाला ये काम अच्छा कर रहा है, अभी वो सराहनीय काम कर रहा है। ये वार्ड नंबर 22 में आप रहते हैं, हाँ। तो इस वार्ड में समस्या क्या रही है? हमारे नाली साफ ही नहीं होते, मच्छर बहुत है इधर, दवाई भी छींटे दो मिनट भी नहीं रुकता ना, चल रहा था भैया तो दवाई छींटने वाले, अब तो आ ही नहीं रहा अभी। और क्या समस्या है? क्या पानी का भी बिना टाइम से आ ही रहा अभी, बिना टाइम से आ रहा, रात हो रहा पर बिना टाइम, कभी 6 बजे कभी 5 बजे कभी सुबह कभी दिन में से आ रहे हैं। हाँ पार्षद को देख के वोट दोगे कि पार्टी को? वो सब पार्टी को देख ही देते हैं, पार्षद को नहीं देखते हैं, देखे जो अच्छा काम करेगा उसको देंगे। अभी जो विकास हो संतोष है आपको? कोई संतोष नहीं है, तो सरकार सब आती सब कह देती थी कोई काम तो करती ही नहीं, कोई भी आई है सब हाँ कर देती पहले। मैं देख में, क्या नाम है आपका? सुनील पगारिया। पगारिया जो वार्ड नंबर 22 के निवासी हैं, हाँ आपके वार्ड में कितना विकास हुआ है? विकास अच्छा है, बढ़िया चल रहा है, बाकी ये सीवरेज लाइनें जो चालू हुई है अभी तक हमारी इधर कम्प्लीट नहीं हुई है, और पानी का नल ये आने लग गया, बारिश का समय है तो थोड़ा सा आप ये दिखवाएं। और क्या समस्या इसके अलावा? बस ये अभी पानी की समस्या है। मतलब वार्ड के विकास में संतोष आपको? हाँ अभी संतोष है। तो अभी चुनाव फिर आ रहे हैं, हाँ तो पार्षद को देख के वोट दोगे कि राजनीतिक दल को? नहीं पार्षद को देखे देंगे, हमारा तो पार्षद से ही काम है। क्या नाम है आपका? मेरा धूरी भाई है। धूरी भाई आप 22 में रहती हैं, इस वार्ड में समस्या क्या रही है? हमारी समस्या गटर की वही रही है, शीतला माता का मंदिर आड़ी बहुत भरेगी, पूरी गटर भराएगी, बस उसको ही समस्या है। भरी है? कदी से भरी रही है। पता इस वार्ड के विकास से संतोष आपको? हाँ बस वन संतोष है, खाली शीतला माता को ध्यान रखो दो बस। और आगे कैसा विकास चाहते हैं? और बढ़िया कहीं नहीं, बस बढ़िया चाहते हो? कैसा होना चाहिए काम? हाँ अच्छा होना चाहिए। तो अभी आपको वोट देना है नगर निगम में, तो आप पार्टी को देखने लगा कि पार्षद में? देखो ये तो घर का पूछना पड़ेगा, आपको वोट आपको डालना है? हाँ डालेंगे, पार्षद को देखोगे? और मैं तो अंगूठा छापूं। अमित कटारिया। कटारिया जी आप वार्ड नंबर 22 में रहते? 22 में रहता। तो आपके 22 नंबर वार्ड का विकास कितना हुआ? विकास तो बहुत अच्छा हुआ। क्या क्या काम हो गया? बस सीवरेज का काम बाकी है, बाकी कंप्लीट सब पूरा हुआ, और तालाब का भी काम चलने लग गया। किस तरह का विकास चाहते हैं? विकास जो चल रहा था उससे थोड़ा और अच्छा होना चाहिए, साफ सफाई वगैरह। विकास के लिए आप पार्षद को देख के वोट देंगे कि राजनीतिक पार्टी को? नहीं पार्षद को देख के ही देंगे, चेहरा देख के देंगे। क्या नाम आपका? अशोक शर्मा। शर्मा जी आपके वार्ड में कितना विकास हुआ? हमारे इस मोहल्ले में कहीं नहीं हुआ, पार्षद को के परेशान हो गए, चौराहे पे लाइट नहीं लगा सका वो बड़ी वाली, क्या और वो खंभे झुक रहे और वो कहीं नहीं करता। कितनी बार पार्षद को बोल दिया, कितनी 10 साल से बोल रहे, 2 बार जीता हो 2 बार से उसको बोल रहे। तो आपके वार्ड के विकास में संतोष है कि नहीं आपको? नहीं कहीं संतोष नहीं, उस पार्षद से ही संतोष नहीं। तो आप कैसा पार्षद चाहते हैं? जो भी अच्छा काम करे। तो पार्षद को देखकर वोट देंगे कि राजनीतिक पार्टी को? नहीं पार्षद अगर अच्छा पसंद आएगा तो ठीक है, नहीं तो जो किसी भी पार्टी का होगा वो पसंद आएगा तो उसको वोट देंगे। मनीष कटारिया। वार्ड नंबर 22 के निवासी हैं जी। इस वार्ड में क्या समस्या है? इस वार्ड में तो अभी कोई समस्या नहीं है, सिर्फ सड़क की है, बाकी तो कंप्लीट है। सड़क कब से नहीं बनी है? मतलब पिछले चुनाव बनी थी। तो इस सड़क समस्या के लिए आपने पार्षद को बताया था? हाँ उन्होंने कहा पास हो गई है। तो आप किस तरह का विकास चाहते हैं? बस बढ़िया सड़क बन जाए और क्या, बिजली पानी बाकी समस्या सब। तो ये चुनाव आ गए हैं फिर, हाँ तो चुनाव में पार्षद को देख के वोट देंगे कि राजनीतिक दल को? पार्टी के साथ चलना पड़ता है। शहर के वार्डों की हकीकत जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंचने के अपने अभियान के तहत अंबर टाइम्स और ई खबर टुडे की टीम अब आ पहुंची है वार्ड क्रमांक 23 में। इस वार्ड में रामगढ़, चौड़ावास, ब्राह्मणों की गली, तेलियों की सड़क, चमारिया नाका, तेजा नगर, बालाजी नगर,
करमदी रोड, गुलाब शाह अली की दरगाह, त्रिवेणी स्मशान रोड, शुभम रेसिडेंसी कॉलोनी इत्यादि शामिल है। ये वार्ड सामान्य पुरुष के लिए आरक्षित है। सामान्य पुरुष वार्ड होने से यहाँ चुनाव लड़ने वालों की संख्या अधिक रहने की संभावना है और यहाँ रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा। इस वार्ड में रतलाम शहर के पुराने मोहल्ले शामिल है। इस वार्ड का दृश्य भी शहर के अन्य वार्डों जैसा ही है। देखिए क्या कहते हैं इस वार्ड के मतदाता। हाँ बस यही समस्या, वो नाली में बिल्कुल जगह नहीं है, पानी ईटे ने कपड़े ने भाटे ने सब पड़ा। क्या सफाई होती ही नहीं है? सफाई तो कभी होती, कभी सही तो होती ही नहीं है नहीं नालिया की। तो आपके द्वार का जो पार्षद था उसने कितना काम किया? पार्षद क्या कहा, पार्षद को क्या क्या आया तो भी नहीं सुन रहा। दरोगा का बोला दो तीन चक्कर तो वो भी नहीं करवा रहे साहब। तो आप किस तरह का पार्षद चाहते हैं, कैसा होना चाहिए पार्षद? भाई पार्षद ऐसा होना चाहिए कि भाई काम तो करे, वार्ड का काम तो अच्छा करे और सबकी सुने। तो सबकी सुन, ये चुनाव आ रहे हैं इसमें पार्षद को देख के वोट दोगे कि राजनीतिक पार्टी को? नहीं पार्षद को क्या देखे, बस जो काम अच्छा करे उनको दे। है? क्या के बोले आप सफाई होनी चाहिए हमारे को तो वो पार्षद चाहिए। जी आपके वार्ड में समस्या क्या रही है? वो समस्या है तो कभी जीवन में कोई रोड ही नहीं बनी, कोई काम ही नहीं हुआ। पार्षद ने भी 5 साल कोई काम नहीं किया, चारा ने भी खर्च नहीं की, अभी जन कैसे थोड़ी बहुत रोड बन रही है। बाकी इतना गंदगी वाला, 1 महीना हो गया हरिजन कोई आता नहीं है। दरोगा भी शिकायत करते हैं, सेम हेल्पलाइन में भी शिकायत करी, कोई सुनने वाला नहीं है। वो कह रहे यार ये कटवा लो, हम साफ करें, देख लो आपके सामने कितनी गंदी हो रही, ये गाड़ियाँ खड़ी है, इतना मटेरियल पड़ा, 1 महीना हो गया इसको, इस पर 5-6 हज़ार रुपये पहले बताया, जुर्माना भी हो गया, उसके बाद भी कोई सुनने वाला नहीं। नगर निगम बिल्कुल बेकार हो गई, जो समय चलो आज जो सब्जी वाले बेचारे सैनी चौक में जो ठेले वाले उनको तो खड़े रख दिए ना बेचारे, गरीब लोगों को कल्याण नगर में बिठा दिए, सब लोग सब्जी सैनी चौक में बेच रहे हैं, गरीब वहाँ बेच रहे हैं। क्या नगर निगम को शक्ति नहीं है क्या? मतलब आप इस वार्ड के विकास से संतुष्ट नहीं है? नहीं है हम संतुष्ट इस वार्ड। किस टाइप का विकास चाहते हैं? अच्छा चाहिए जनता को, एक तो भरपूर पानी चाहिए, सड़क नाली वगैरह सफाई होना चाहिए, और क्या चाहिए जनता को? जनता को पैसे थोड़ी मांग रहे क्या भाई? रोड अच्छा चाहिए, नालियाँ सफाई होना चाहिए डेली, पानी की समस्या 9 बजे तक इंतजार करो फिर ऐलान हो जाता है कि आज आपके शहर में पानी सप्लाई बंद होगा, शाम को देंगे, शाम को फिर 6 से 9 कोई समय भी नहीं इनका, 6 से 9 बैठे रहो, नल आए कि नहीं आए, क्या करे? तो इस बार चुनाव हो रहे हैं, हाँ? इस चुनाव में पार्टी को देख के वोट दोगे कि पार्षद को देख के? देखते हैं अगर पार्षद के अभी चुनाव घोषणा हो तो उसके बाद मालूम पड़ेगी, नहीं बहिष्कार करेंगे, क्या करेंगे? सफाई नहीं होगी, कुछ होगा नहीं वार्ड में, तो बार बार ये तो क्या है हाथ जोड़ के वोट ले जाते हैं, तो ऐसा थोड़ी चलता है। तो आपका पार्षद का उम्मीदवार अच्छा नहीं है तो बहिष्कार करेंगे? सभी का बहिष्कार करेंगे अगर काम नहीं हुआ तो, कोई भी हो चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, हम तो सबका बहिष्कार करेंगे। मोहल्ले में आप खाली तेजनगर में थोड़ा बहुत काम करता, बाकी किधर ही कोई काम नहीं करता। तेजनगर 3 ब्लॉक देख लो आप, उधर कितनी गंदगी है। क्या नाम आपका? अंजू सोने। सुनिए मैडम, आप ये वार्ड नंबर 23 की रहवासी हैं। हाँ। आपके वार्ड में समस्या क्या आ रही है? समस्या ये आ रही है कि गटरों का जो पानी है ना वो निकलता नहीं है, आगे जाके जाम हो जाता है, सबसे बोलते हैं कोई कार्रवाई करता नहीं है, के परेशान हो रहे हैं, घर में मच्छर उन भी आ रहे हैं, उसी से सब बीमार पड़ रहे हैं, कोई सुविधा हमको कोई चीज़ की मिल नहीं रही है। हम जहाँ सुविधा के लिए जाते हैं वहाँ पे हमें सुविधा, मैं स्वयं सहायता समूह चलाती हूँ अंजू सोनी, इसमें मेरे को कोई भी लाभ नहीं मिल रहा, ना मेरी महिलाओं को कोई लाभ मिल रहा है। जब भी कार्यक्रम होता है समस्या की भी लाभ यही बता, समस्या यही है कि सबसे ज्यादा हमको गटर की बहुत ज्यादा समस्या आ रही है। जहाँ पाइप लगाने के लिए बोल रहे हैं वहाँ पे पाइप नहीं लग रहा, जहाँ पानी नहीं निकल रहा वहाँ पे बुला बुला के एप्लीकेशन भी लिख लिख के परेशान हो गया। तो कैसे लिखा, चिल्लाते और करते हैं उनसे, बस ये ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल 1 नंबर कॉलोनी हो जानी चाहिए, पानी भी अच्छे सुरक्षा और कोई महिलाओं को किसी भी चीज की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चलिए आपके वार्ड के विकास से आप संतुष्ट नहीं है? हाँ बिल्कुल नहीं है। तो आने वाले चुनाव में चुनाव आ रहे हैं, इस बार पार्टी को देख के वोट दोगे कि पार्षद को देख के? पार्टी के देख के देंगे कि जो पार्टी अच्छा काम करेंगे उनको देंगे। नगर निगम चुनाव में जनता के मुद्दों को जानने के लिए अंबर टाइम्स और ई खबर टुडे की टीम शहर के प्रत्येक वार्ड में पहुंच रही है। अब हमारी टीम वार्ड क्रमांक 24 में आ गई। इस वार्ड में राम मोहल्ला, कुंजड़ों का वास, अशोक नगर, सरस्वती नगर, ओझा खाली, ज्योति नगर, ब्राह्मण गली का पूर्वी भाग, पोरवाड़ों का वास, दक्षिणी भाग इत्यादि शामिल है। ये वार्ड भी शहर के पुराने मोहल्लों वाला वार्ड है। ये वार्ड सामान्य पुरुष के लिए आरक्षित है।
सामान्य पुरुष वार्ड होने से यहां चुनाव लड़ने वालों की संख्या अधिक रहने की संभावना है और यहां रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा। शहर के कुछ दूसरे इलाकों की तरह इस वार्ड के मतदाता भी कई समस्याओं से जूझ रहे हैं और अपने लिए ऐसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं जो समस्याओं को हल करके वार्ड का विकास करे। मोहम्मद शोएब है। मोहम्मद शोएब जी, आप वार्ड नंबर 24 के रहवासी हैं जी। जैसे आपने यहाँ के रहवासियों ने बताया, गंदगी की समस्या है, पानी की समस्या है, पार्षद जी आई नहीं यहाँ पर, तो अब आप कैसा विकास चाहते हैं? देखो, सबसे पहले तो साफ सफाई चाहिए पूरी। यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। ट्यूबवेल का भी पहले बोला था, उन्होंने बोला था कि ट्यूबवेल भी लगवाएंगे। पानी गर्मियों में अभी ऐसा पानी आता, बारिश के अंदर भी पानी ऐसा नाली ऐसा एकदम बास मारती नहीं, वैसा पानी आता नलों में। कितनी बार तो शिकायत करी है, न गंदगी होती है, भी बीमारी फैलती है उस चीज़ों से, मच्छर खूब होते हैं, नालियाँ साफ नहीं हो रही है, तो विकास से संतुष्ट नहीं है, बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। तो ये जो चुनाव आ गए, अपने जनता के चुनाव आ गए हैं, तो इसमें आप पार्टी को वोट दोगे कि पार्षद को देख के वोट दोगे? जो काम कराएगा पार्षद उसको वोट देंगे। राहुल आफ्ताब, आफ्ताब भाई, आप वार्ड नंबर 24 के रहवासी हो जी। आपके वार्ड में समस्या क्या रही है? हमारे वार्ड में समस्या ये आ रही है कि कुछ भी काम नहीं होता है यहाँ पर, कोई आके देखते ही नहीं यहाँ पे। नालियाँ भरी भी है, रोड खराब हो रहा है, कोई झाड़ने वाला नहीं, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पर रापा टोलिया पड़ा हुआ है, कुछ भी सफाई के नाम पे बिल्कुल कुछ भी नहीं है यहाँ पे। कुछ भी काम नहीं किया, देख लो आप यहाँ हालत, देखो आप यहाँ की, यहाँ से वहाँ तक नालियाँ भरी पड़ी है, देखो यहाँ से वहाँ तक नालियाँ भरी। आप कैसा विकास चाहते हो? अब ये चाहते हैं कि बदलाव हो और क्या है। जैसे ये बता रहे हैं कि आपके वार्ड में विकास नहीं हुआ, सफाई बहुत ज्यादा नहीं है, सफाई के नाम पे तो कुछ है ही नहीं। पार्षद ने क्या करा आपके? पार्षद तो आगे देखते ही नहीं है हमारे घर, इस गली में कब आके देखे थे, कभी आए थे, वो उनको खुद को भी ध्यान नहीं है। आप कैसा पार्षद चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि हमारे घर के आगे साफ सफाई हो, अच्छा रोड हो, पानी वगैरह पूरा आता है, पानी वानी में कोई दिक्कत नहीं है, बाकी साफ सफाई तो हो। साफ सफाई नालियों की ऐसी हालत रहती है, दिन भर हम घर से बाहर निकलते हैं, यहाँ पे गटर का पानी बाहर रहता है। तो इस बार जो चुनाव आ रहा है, इस चुनाव में पार्टी को देख के वोट दोगे कि पार्षद को? पार्षद को देख के दे, काम को देखा जाएगा। बाबू जी, अरे बाबू जी, क्या नाम है आपका? विनोद राठौर। राठौर जी, जैसे आपके वार्ड वाले बता रहे हैं, आपके वार्ड में कोई विकास नहीं हुआ? हाँ भाई, आज तक नहीं आया पार्षद, नहीं आए अभी तक चुनाव जीतने वाले। आपकी जो समस्या है, समस्या के बारे में पार्षद को शिकायत की थी कभी? आते ही नहीं, कभी कहा उनको ठिकाने नहीं, कहा नहीं, कहा नहीं, आज तक नहीं आया, वार्ड में नहीं आया, अभी तक नहीं आया। नगर निगम चुनाव में कौन से मुद्दे अपने असर दिखाएंगे, ये जानने के लिए वार्ड दर वार्ड घूम रही अंबर टाइम्स और ई खबर टुडे की टीम वार्ड क्रमांक 25 में मौजूद है। इस वार्ड में मालिकुआ, शांतिनगर, कसारी दरवाजा, बिचलावास का कुछ भाग, लक्ष्मी नगर, मौलाना आजाद नगर, रत्नेश्वर रोड का पश्चिमी भाग, जुनिक लाल सैरी मार्ग का पश्चिमी भाग, तीतरी दरवाजा, पश्चिम दिशा इत्यादि शामिल है। इस वार्ड में गंदगी, ट्रैफिक जाम जैसी और पेयजल संकट जैसी कई समस्याएं हैं। ये वार्ड पिछड़े वर्ग की महिला के लिए आरक्षित है। यहाँ के मतदाता अपने लिए कैसा प्रतिनिधि चाहते हैं और उनकी प्राथमिकताएं क्या है, ये सब बातें मतदाताओं ने कैमरे के सामने कही। आइए जानते हैं मतदाताओं की राय। क्या नाम आपका? पुष्पा। आप वार्ड नंबर 25 के रहवासी हो, आपके वार्ड में समस्या क्या आ रही है? बस कुछ नहीं, ये गटरे रोज साफ होना चाहिए, सड़क साफ होनी चाहिए, और क्या चाहिए? और क्या समस्या है? और कुछ पीछे सड़क अच्छी नहीं बनी हुई है। आपके पार्षद ने काम कैसे किया? पार्षद तो अभी एकदम ढंग से नहीं हुआ काम, तो जो होना चाहिए। क्या काम चाहते हो? हमारे मोहल्ले में अच्छी सड़क बने, गटरे रोज साफ हो, झाड़ू साफ निकलनी चाहिए रोज। आपका क्या नाम है? सोवन। ये इस बार में बता रहे सफाई नहीं होती है। हाँ, नहीं होती है। क्या समस्या आ रही है? बस ये गटर साफ नहीं करते, कहते तो कचरा नहीं भरते ना, डेरे नाक जाते कचरा ना वचरा सब भैया। तो आप कैसा पार्षद चाहते हो? तो अच्छा लगाओगे इधर, तो कैसा पार्षद होना चाहिए? मुल्क ध्यान रखे ऐसा हो। तो आप पार्षद को देख के वोट डालोगे कि राजनीतिक पार्टी को? जो हमारे सफाई करेगा उसको वोट देंगे हम, तो हमारे को कार्रवाई करेगा कि हाँ भाभी रोज कहते हैं, कोई सुनते ही नहीं, कह के तवा हो जाओ, कोई सुने ही नहीं भैया हमारी तो यहाँ जगह। क्या आपको कह रहा है? मेरा कांता नाम है। और क्या समस्या है रोड में? बस ये पूरी रोड अच्छी बढ़िया बननी चाहिए, कितनी खंजेर हर की रोड है। अच्छा, आपका भी पुराना पार्षद था? हाँ। तो कितनी बार आया? अभी तो पहला तो बहुत पुराना था, अभी तो पहला करता था, अभी ये अशोक था के भी करता था देवड़ा जी, अब जी के बाद में तो कोई है ही नहीं।
चुनावी संग्राम में कौन कितने पानी में, किसे मिलेगी जीत? चुनाव प्रचार से लेकर मतदान तक और मतगणना से लेकर नतीजों तक चुनावी संग्राम की एक एक खबर देखिए अंबर टाइम्स और ई खबर टुडे के साथ चुनावी संग्राम।